महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के नांदेड़ दौरे के मौके पर MIM के जिम्मेदारान के एक वफद ने उनसे मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें ये मुतालबा किया गया कि मुसलमानों को तालीम के शोबे में 5% रिजर्वेशन मिलने के बारे में रियासती हुकूमत को असम्बली में जल्द से जल्द कानून बनाने के लिए अहकाम दिए जाएं। इसी तरह 6 जुलाई को यवतमाल जिले के धारवा गाँव में मोहम्मद इरफान नामी 32 साल मुस्लिम नौजवान को बिला वजह पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत के दौरान इसको शदीद हिरासा किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस मामले में खाती पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नांदेड़ समेत महाराष्ट्र के अलग अलग मुकामात पर वक्फ जमीनात पर नाजायज कब्जे हो चुके हैं। सियासी जमातों के लीडरान और जमीन माफियाओं ने वक्फ जमीनात पर कब्जे करके इमारतें तामीर की है। इन कब्जों को हटाने के लिए इकदाम किए जाए। इसी तरह रियासत के वजीर बराए अखिलियती बहबूद नवाब मलिक की कारकर्दगी पर भी सवालात खड़े किए गए और उन्हें भी वजारत से बरतरफ करने के लिए गवर्नर से इकदाम की मांग की गई। मजलिस के वफद में पार्टी के मराठवाड़ा सदर फेरोज खान लाला, मराठवाड़ा सेक्रेटरी मोहम्मद कलीब रमजानी, जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, शहर सदर मोहम्मद साबिर चाउश और यूथ शहर सदर मोहसिन खान समेत मुतअद्दिद अफराद मौजूद थे। आज महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के बहुत से प्रश्न हैं, जिसके लिए आज राज्यपाल साहब से MIM का एक निवेदन हुआ, डेलीगेशन हुआ। हमने 5-7 चीज़ों पर इश्यूज पर बात की। जिस तरह से सबसे पहले हमारा इशू ये रहा कि 6 जुलाई 2021 को यवतमाल जिले के अंदर धारवा के अंदर एक 32 सालाना नौजवान शेख इरफान को पुलिस ने उसको अरेस्ट करके, जिसपे साधारणतः एनसी नहीं थी, उसको लॉकअप पुलिस थाने लेके जाके इतना मारा कि उसकी हत्या हो गई। और उस ताल्लुक से आज तक वहाँ पर कोई उनके खिलाफ पुलिस वालों के एक्शन नहीं हुआ। तो आज उनसे ये भी मांग की है। दूसरा है मसला ये है कि महाराष्ट्र भर के अंदर नांदेड़ के अंदर वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के ऊपर कुछ पॉलिटिकल लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके वो भी हमने उनको बताया है कि उस पर एक्शन होना चाहिए और जो लैंड माफिया है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तीसरा इशू ये है कि मुस्लिम समाज को महाराष्ट्र के अंदर शैक्षणिक 5% आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारा हक है, वो उसकी भी एक बार वो भी हुआ। चौथा इशू ये है कि भाई नांदेड़ के अंदर मुस्लिम समाज के लिए गवर्नमेंट की बहुत सी लैंड है, मगर मुस्लिम समाज को यहाँ पर हॉस्टल वगैरह नहीं है लड़कियों को और लड़कों को। ये सब बातें जो महाराष्ट्र में हो रहे हैं मुस्लिम समाज के अत्याचार, उसके खिलाफ हमने ये कहा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री साहब इनको ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। 14 जुलाई को हमने भी मांगनी उनसे की थी कि यहाँ पर जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो हमारी ये मांग है कि महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री को इनको तत्काल बर्तरफ करना चाहिए, कार्यमुक्त करना चाहिए।